नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका। मेरा चैनल किचन का खाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही सरल तरीके से आटा बिस्किट। दोस्तों, आज मैं आपको एकदम सरल तरीके से बिस्किट बनाकर दिखाने वाली हूँ। और ये बिस्किट जो है मुंह में घुल जाने वाली बिस्किट बनने वाली है, मतलब अंदर से सॉफ्ट और बाहर से खस्ता। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको इस रेसिपी का लिस्ट लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं वीडियो। तो सॉफ्ट और खस्ता बिस्किट बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक बाउल में 2 चम्मच शक्कर और हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच पानी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको ज्यादा मीठा बिस्किट पसंद है तो आप इसमें शक्कर और डाल सकते हैं। और हम यहाँ पर लेंगे एक बाउल में 100 ग्राम गेहूँ का आटा और हम यहाँ पर लेंगे एक फ्राई पैन और हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुटा हुआ सौंफ और कुटा हुआ 2 इलायची और इसे हल्का सा पकाएंगे और इसे आटे में डालेंगे और इसे चम्मच की सहायता से मिक्स करेंगे और ठंडा होने के बाद हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो हम इसमें डालेंगे शक्कर पानी जो हम पहले बनाकर रखे थे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा घी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। आप यहाँ पर घी की जगह पर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं डो तैयार है और ये एकदम सॉफ्ट डो बना है। तो हम यहाँ पर एक बेक करने वाला बर्तन लेंगे और मैं इसमें हल्का सा घी लगा कर रखी हूँ और हम छोटा सा डो लेंगे और इसे बिस्किट का शेप देंगे। आप इसे अपना मनपसंद शेप दे सकते हैं और इसे बेक करने वाले बर्तन में रखेंगे और इसे क्रश किया हुआ नारियल और टूटी फूटी से गार्निश करेंगे। और मैं यहाँ पर एक पैन को 5 मिनट पहले गर्म करके रखी हूँ और मैं इसमें एक गैस का बर्नर रखी हूँ। आप यहाँ पर कटोरी स्टैंड वगैरह ले सकते हैं और हम इसे इसमें डालेंगे और ढककर 30 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। 30 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो हम इसे 20 मिनट ठंडा होने देते हैं और आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक गया है और ये आसानी से निकल जा रहा है और ये दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है और खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगने वाला है। तो आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाएं और कमेंट पर ज़रूर बताएं कि आपका बिस्किट कैसे बना। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।